दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वज्ञ भारण आपसे बात कर रहा हूं और स्वागत करता हूं आपका आज इस लाइव वेबिनार में। ठीक 8 बज चुके हैं, समय हो चुका है और हमारे साथ हमारे साथी पूरे देश और दुनिया से आज जुड़ रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया पिछले 2 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हर एक चीज बंद है और छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी, किसी भी देश का प्रेसिडेंट या किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी चीज के बारे में तो सोच रहा है तो वो सोच रहा है कोरोना वायरस के बारे में, COVID-19 के बारे में और इससे कैसे निपटा जाए। दोस्तों इतनी बड़ी समस्या बन जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था, इतनी बड़ी समस्या ऑलरेडी बन चुका है। आने वाले समय में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी कोई नहीं जानता, पर इसका जो पूरा का पूरा असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, वो दोस्तों एक चीज पे पड़ा है, वो है हम सबकी आय पर, यानी कि हम सबकी इनकम पर। और जब इनकम पर इतना बड़ा फर्क पड़ा है तो ये हम सोचने पर मजबूर हुए हैं कि क्या हमें जिंदगी में एक सोर्स ऑफ इनकम पे ही रहना चाहिए या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक्स्ट्रा इनकम या फिर पार्ट टाइम में हमें कुछ और भी करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम खोल सकें जिससे परिवार सिक्योर रहे और आने वाले समय में यदि कोई ऐसी महामारी या किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हमारी इनकम पे फर्क ना पड़े। कोरोना वायरस के साथ साथ आप देख रहे हैं कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार की तरफ एक महातूफान भी आया, ऐसी तबाही मची जैसी पिछले कई दशकों में नहीं हुई और उसकी वजह से भी अब कितने न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे और कितने लोगों की आय पर असर आएगा। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हजारों लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस समय, सब इसी बात के लिए, यही एक रास्ता जानने के लिए कि अब एक्टिव इनकम तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हमारी नौकरी होती है, हमारा बिजनेस होता है, परंतु पैसिव इनकम का भी क्या कोई एक रास्ता है जो हम शुरू कर सकते हैं हमारी जिंदगी में? क्या पैसिव इनकम भी कमाई जा सकती है जिसके बारे में लोग बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बात करते हैं? दोस्तों बिल्कुल है, एक बेहतरीन रास्ता, एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल जो पूरी दुनिया में एक 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है दोस्तों, उसका शेयर आप ले सकते हैं, उसकी एक भागीदार बन सकते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों ये इंडस्ट्री पिछले 20 साल से यहाँ पर है, जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, मैं कह सकता हूं कि वो ही इज वेल एजुकेटेड, उन्होंने MBA किया सिम्बायसिस पुणे से जो कि बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वो MBA है फाइनेंस और साथ ही साथ कॉरपोरेट सेक्टर में उन्होंने काम करना शुरू किया, पर हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप का उन्हें भूत था और वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा, एंटरप्रेन्योरशिप का भूत जिसके सिर पे होता है वो फिर ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाता और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी नौकरी को छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो बढ़ गए एंड ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टुडे। और आज अगले 45 से 50 मिनट में वो हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में शेयर करेंगे। दोस्तों उनके बारे में मैं बहुत कम कहा, उनसे सुनेंगे हम उनके बारे में कि क्यों वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उनका परिवार एक सिक्योर्ड इनकम ले रहा है और उनका परिवार अपने सपने पूरे कर रहा है। मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान लक्ष्मण नलावड़े जी पुणे से। लक्ष्मण जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच सर। सर एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, हम अच्छी तरह सुन पा रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरा नाम, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मण नलावड़े है और बाय क्वालिफिकेशन मैं MBA फाइनेंस हूँ और एक बैंक में लगभग 20-21 साल पहले आई यूज टू वर्क एज असिस्टेंट मैनेजर। तो जब मैं नौकरी करता था तो किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया और मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत करी और लगभग 13 महीने में आई कुड क्विट माय जॉब एंड बी ए फुल टाइम एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों लगभग 20-21 साल से मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं और ये जो आज मुझे आई एम रियली थैंकफुल टू विनिंग टीम जिसने जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भारी सर और सर्वज्ञ सर। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसको मैं मानता हूं कि ये धरती के ऊपर एक अनोखा बिजनेस है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा।
इसको हम कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, लेकिन हमको किसी ने एम्पावर नहीं किया आज तक। हमको सिर्फ एक ऐसे नजरिए से देखा कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी और हमसे पैसा लिया जाएगा, लेकिन किसी ने हमको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश नहीं करी जो डायरेक्ट सेलिंग ने दी है। सो लेट्स गेट इनटू सीईओ। दोस्तों बिजनेस क्या है, कैसा है, वो तो डिस्कस डेफिनेटली करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको, आप कुछ जिंदगी में ढूंढ रहे हैं क्या? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? डू यू हैव योर ओन ड्रीम? आपके पास कोई आपका सपना है क्या? जैसे कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था 20 साल पहले, तो मुझे एक ही सपना था। आई डिडंट वांटेड टू डू अ जॉब। मुझे जॉब नहीं करना था, मुझे अपने टाइम टेबल से काम करना था। मैं काम करने के लिए रेडी था, जितना जॉब में करता था उससे ज्यादा करने की कोशिश करता था मैं, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से चलना चाहता था। तो क्या आपके पास ऐसा कोई ड्रीम है? मे बी किसी को जॉब नहीं छोड़ना है, लेकिन किसी को एक रेसिडुअल इनकम बनाना है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, या फिर किसी को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, या फिर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। दोस्तों तो आप क्या चाहते हैं? अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आज शाम को आपको वो मिलने वाला। अगर आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हो तो शायद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों तो मैं, जो भी नए व्यक्ति आए हैं जो पहली बार ऐसा सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग इन योर लाइफ? अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो यस, दिस इज अ प्लेस फॉर यू। दोस्तों एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी मैंने, रिच डैड पुअर डैड, ऑथर का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, फोर्थ जनरेशन जापानीज अमेरिकन है, और इन्होंने ये बहुत अच्छी किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। मैं सभी लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं कि अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो दोस्तों यू शुड बी रीडिंग दिस। आपकी जो रीडिंग लिस्ट है उसमें ये किताब का नाम डेफिनेटली होना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। तो दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जितने भी लोग दुनिया में पैसा बनाते हैं, उनको अगर हम सेग्रीगेट करेंगे अलग अलग, तो आपको चार कैटेगरीज मिलने वाली है। एक है एम्प्लॉय, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एक है बिजनेस ओनर्स जिसको मैं बिग बिजनेस ओनर्स कहूंगा, और फिर इन्वेस्टर्स। बहुत क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है स्मॉल बिजनेस ओनर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब क्या है, जो लोग एक से लेके 500 लोगों तक एम्प्लॉय करते हैं उनको स्मॉल बिजनेस ओनर कहते हैं। मतलब आप जहां पे रहते हो, आपके बाजू में एक किराना स्टोर है, वो किराना स्टोर का जो मालिक है वो अपने आप को बिजनेस ओनर कहता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो बिजनेस ओनर नहीं है, इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये जो बिग बिजनेस ओनर जो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं, वो लोग है जो अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में 500 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उसको आप बिग बिजनेस ओनर्स कह सकते हैं, जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी कहोगे। और इन्वेस्टर्स के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं वो लोगों को आप इंक्लूड कर लीजिए इन्वेस्टर में, जो एटलीस्ट $1 million इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हमारे जैसे नहीं, 100 L&T ले लिया, 10 Reliance ले लिए, और हम फिर दिन रात इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारा स्टॉक का क्या हुआ। वैसे भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोविड के बाद बहुत कम ही बचने वाला है आपका जो भी पोर्टफोलियो है, क्योंकि जो मार्केट अब तक गिरा है वो कुछ भी नहीं है, और बहुत मार्केट गिरना है बाकी है, क्योंकि कोविड के बाद दोस्तों जिंदगी अलग मोड पे होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज नॉन एग्जिस्टेंट होने वाली है और बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज उभर के आने वाली है दोस्तों। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जिसको हम कहेंगे। तो एम्प्लॉयज कौन होते हैं? एम्प्लॉयज वो है जो अपना टाइम ट्रेड करते हैं, टाइम देते हैं पैसा लेते हैं, टाइम देते हैं पैसा लेते हैं, टाइम खत्म पैसा भी खत्म होता है दोस्तों। तो एम्प्लॉयज वो होते हैं जो अपने बिजनेस में नहीं है, वो अपना टाइम बेचते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है दोस्तों, क्योंकि आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नौकरी पे जाते हैं
तो आप अपने आप को किसी और को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपको 2 दिन आपको बुखार है, आप जा नहीं पाते हो, तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं कह पाओगे कि मेरा दोस्त आ जाएगा 2 दिन के लिए, राइट? सो यू आर इररिप्लेसेबल। तो आप ही को वो इनकम कमाना है, जितना टाइम आप डालोगे उतना पैसा मिलेगा। तो आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी जीरो है दोस्त, राइट? बिकॉज यू गॉट टू बी देयर टू मेक मनी। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर। ये जनरली कौन लोग होते हैं, जो कंसल्टेंट्स है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि सबसे बेहतरीन काम मैं खुद कर सकता हूं। आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में चले जाइएगा, उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो बीकॉम कर रहे हैं या फिर सीए इंटर कर रहे हैं या सीए की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सब बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन आखिर में वो जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनको वो बैलेंस शीट पास करके ही दे गॉट टू गेट इट फॉरवर्डेड। मतलब क्या है दोस्तों, सबसे बेहतरीन काम मैं कर सकता हूं मानने वाले जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। दे डोंट ट्राई टू क्लोन देमसेल्फ, वो अपने जैसे लोगों को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। दे विल नेवर एम्पावर अदर, दे वॉन्ट वॉन्ट टू बी एम्पावर्ड। ये अलग बात है कि उस प्रोफेशन में, उस बिजनेस में उसकी जरूरत है, इसलिए वो वैसा करते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो खुद ही मालिक है और खुद ही नौकर है दोस्तों, राइट? तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। तीसरा जो क्वाड्रेंट है, जिसको हम कहते हैं बिग बिजनेस ओनर्स। देखिए दोस्तों, टाटाज है, बिरलाज है, अंबानीज है, अडानीज है, गोदरेज है, बियानीज है, ये ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के अनुसार बिजनेस को चलाते हैं। अभी इसमें होता यह है कि सिस्टम इज वेरी प्रोमिनेंट, सिस्टम के हिसाब से काम होता है, तो ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होता है। मान लीजिएगा कि मुकेश अंबानी अगर 15-20 दिन रिलायंस के ऑफिस में नहीं जाते हैं तो भी बिजनेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि दैट बिजनेस इज सिस्टम ड्रिवन। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, दैट इज इंडिविजुअल ड्रिवन। तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाता है, एक आदमी पे वो बिजनेस डिपेंडेंट होता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स में क्या होता है, वो सिस्टम ड्रिवन होता है। और इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफे है। तो ये कौन लोग है, जॉर्ज सोरस है, ये कौन लोग है जो दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चार क्वाड्रेंट्स को हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे तो एक लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा। लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा हार्डवर्क है, जीरो सिक्योरिटी है, लाइफस्टाइल नहीं है। और राइट क्वाड्रेंट में आपको मिलेगी बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी 100% है और इसमें स्मार्ट वर्क है दोस्तों। तो आई एम वेरी श्योर कि हम में से जो लोग लेफ्ट साइड में हैं, दे वुड लाइक टू माइग्रेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोस्तों, मैं ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा था जिसमें मैं लेफ्ट से क्रॉस ओवर करके राइट को जा सकता हूं, लेकिन जितने भी बिजनेसेस हमने कोशिश करे उसमें प्रॉब्लम ये था कि वी कुड नॉट क्रॉस ओवर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोस्तों, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसमें यू कैन माइग्रेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो लेफ्ट साइड में है एक्टिव इनकम, राइट साइड में है पैसिव इनकम। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपने कोई फ्लैट ले लिया, मैं पुणे में रहता हूं और मैंने एक फ्लैट ले लिया 60-70 लाख रुपए का और 2 BHK, और मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। मान लीजिए मुझे 10-12 हजार रुपए रेंट आ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं गोवा चला जाऊं 4 महीना घूमने के लिए तो भी मुझे उस फ्लैट से रेंट मिलेगा, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। लेकिन वो 4-5 महीने के दौरान जब मैं गोवा में हूं मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय टाइम मनी एंड सिक्योरिटी, ये तीनों का एक पैकेज है लाइफ में, ये पैसा भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, अगर ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए आपको तो यू विल हैव टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। दोस्तों, ये जो बिजनेस है उसमें आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बात करी टाइम मनी और सिक्योरिटी की, तीन चीजें हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है।
टाइम मनी और सिक्योरिटी। हम आज की तारीख में पैसे कैसे बनाते हैं? वी इन्वेस्ट टाइम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं 8 घंटा काम करता हूं, मुझे एक्स अमाउंट मिलता है, मुझे और पैसा चाहिए, मैं 16 घंटा काम करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे डबल एक्स मिलेगा। एरिथमेटिकली ये बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूं तो मुझे 3x अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है और मैं 24 घंटा काम नहीं कर पाऊंगा। तो नॉर्मली क्या होता है, 10-12 घंटे में हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और एक इनकम पे हम सैचुरेट होना शुरू कर देते हैं दोस्त, राइट? ये हमारा प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में। वी ट्रेड आवर टाइम फॉर मनी, टाइम देते हैं पैसा आता है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, एंड हमारा फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको बताया। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जे पॉल गेटी, वो कहते हैं अगर आपको ही इज द फर्स्ट मिलियनर ऑफ द मॉडर्न एरा, तो वो कहते हैं कि अगर आपको अमीर होना है तो 3-4 सिद्धांत वो बताते हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला प्रिंसिपल वो बोलते हैं कि यू शुड बी इन योर ओन बिजनेस, आप खुद के बिजनेस में होने चाहिए। दूसरी बात है, आप ऐसे बिजनेस में होने चाहिए जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है, राइट? सो यू शुड बी इन एफएमसीजी बिजनेस, रोज रोज मरना की चीजें, रोज लगनी वाली चीजें, राइट? जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शेविंग क्रीम है, सोप है, राइट? दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एफएमसीजी। दूसरी बात वो कहते हैं कि यू शुड डुप्लीकेट योर सेल्फ, आप यू शुड क्लोन योर सेल्फ, आप जो काम कर रहे हैं वो किसी और ने भी करना चाहिए या किसी और को आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं, राइट? तो ये जे पॉल गेटी कहते हैं। तो ये सारे सिद्धांत हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं दोस्त। वी यूज दीज प्रिंसिपल्स टू बिल्ड आवर बिजनेस। जैसे मैंने आपको बोला कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन में है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या करते हैं, आज की तारीख में हम जो जॉब करते हैं उसमें हम एक आदमी 100% इनकम बना रहा है, 100% ऑफ आवर इनकम कम्स थ्रू 1%। जे पॉल गेटी कहते हैं कि व्हाई डोंट यू डू द अदर वे राउंड, आप 1% इनकम आप एक आदमी से लेके आइए, 100% इनकम के लिए आप 100 आदमी से काम करवाइए। मतलब क्या है, 100% इनकम फ्रॉम 1%, इंस्टेड ऑफ दैट 1% इनकम फ्रॉम ईच पर्सन। आप इतने लोगों को एम्प्लॉय करिए, 100, 200, 1000, 5000, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा इनकम हर व्यक्ति से भी आता है तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, यू विल क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। उसमें होगा क्या, आपने 5000, 10000, 20000 एम्पावर किया है, अपने आपके डुप्लीकेट्स तैयार कर लिए, यू हैव क्लोन्ड योरसेल्फ। तो आपने इतने ऐसे लोग बनाए जो आप जो काम कर रहे वही काम वो कर पाते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, आपका पावर ऑफ डुप्लीकेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी। हम जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसमें आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से अपने टाइम से काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम करना क्या चाहते हैं, ये जो बिजनेस है उसमें हम एक कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। सो वी वुड लाइक यू टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स, नॉट सेल्स पीपल। हम सेल्समैन नहीं बना रहे, वी डोंट गो नॉकिंग समवन्स डोर सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं, हम एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनते हैं और कंज्यूमर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस कंपनी के साथ बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों। एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है। हमारे जैसा एक कंज्यूमर है, हमें रोजमर्रा की चीजें लगती है, हम क्या करते हैं, बाजू का जो दुकानदार है, जो टिपिकल दुकानदार है किराना स्टोर वाला, उसके पास जाके प्रोडक्ट लेके आते हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड कि बनाता कौन है, क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी पे देखा है और हमें लगता है वही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो दुकान से जाके लेके आते हैं। लेकिन हम किसके पास जाते हैं, हम रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर खुद नहीं बनाता है, वो एक स्टॉकिस्ट के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है।
होलसेलर नहीं बनाता है, वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट नहीं बनाता है, सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट भी नहीं बनाता है, वो सी एंड एफ एजेंट के पास जाता है। सी एंड एफ एजेंट माल अपना जो भी चीजें बनाता है मैन्युफैक्चरर। तो एक मैन्युफैक्चरर से ये चेन शुरू होती है और इनके द्वारा हमें हमारे गांव में हमारे बाजू वाले दुकानदार के पास हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 100 रुपए की हम चीज अगर खरीदते हैं दोस्त, तो मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 30-40% में होता है। 60-70% ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस मिडलमैन, उसमें एडवर्टाइजिंग भी आता है, राइट? जो बिचौलिए है उनको हम ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में यह है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना शुरू करता है और जो बीच वाले जो मिडलमैन है उनको बाईपास करता है। दोस्तों अगर आप देखोगे जितना भी इनोवेशन हुआ है सारा इनोवेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा है, सबने अपनी अपनी फैक्ट्री चाइना में लगाई है और बोल रहे हैं कि आप बनाओ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा पैसा है, तो हम भी डिस्ट्रीब्यूशन के ही बिजनेस में हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, हमको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अनअडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो हमको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं मैन्युफैक्चरर से। दूसरी बात यह है कि हमको इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। तीसरी बात है आपको मनी बैक गारंटी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और चौथी चीज है आपको बिजनेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, राइट? तो नो मिडलमैन, डायरेक्टली कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ जाता है। हम ये किसके साथ काम करते हैं दोस्तों, हु इज आवर मैन्युफैक्चरर? हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। 2018 में इनका टर्नओवर हुआ था 1050 करोड़, 2019 में 1850 करोड़, 2020 में लगभग 2700 करोड़, 2700 करोड़ प्लस, 18 में 1050 करोड़, 1850 और 2700। सी द ग्रोथ दोस्तों, सिंस इंसेप्शन, इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था 2004 में, तब से लेके आज तक इनका अगर सीएजीआर आप निकालोगे तो दैट विल बी 79% पर एनम। दोस्तों हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो लगातार ग्रो कर रही है, और नेटवर्क मार्केटिंग में दिस इज द ओनली कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट सच ए ग्रेट पेस। खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लगभग 4500 टच पॉइंट है जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट चाहिए, हमारा एक छोटा सा POS ऐप है, ऐप में आप ऑर्डर कर दीजिए, प्रोडक्ट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। तो ऑफलाइन मॉडल भी है, ऑनलाइन मॉडल भी है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, नई फैक्ट्री और एक आ रही है। सो थिंग्स आर ग्रेट, वी हैव प्रेजेंस इन 8 कंट्रीज, आज की तारीख में कंपनी 8 कंट्रीज में काम करती है दोस्तों। और विजन ये है कि 2020 में एंड बाय द एंड ऑफ 2020 वील बी इन 20 कंट्रीज विद अ टर्नओवर ऑफ 5000 करोड़ अ ईयर। 2025 में मैनेजमेंट कहती है दोस्तों वी विल बी प्रेजेंट इन 50 कंट्रीज विद अ टर्नओवर ऑफ 20,000 करोड़ अ ईयर। आप सोचिए दोस्तों, आज 2700 करोड़ में कंपनी के पास जो ओनर जो इनकम अर्नर्स है वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक इनकम कमाने वाले लोग हैं, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। हाईएस्ट इनकम अर्नर इज 1 करोड़ 5 लाख पर मंथ। तो दोस्तों ये सक्सेस है दोस्तों ये कंपनी का। सो वेरी रैपिडली ग्रोइंग, हिंदुस्तान की लार्जेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर कोई है तो वो कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वी फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, राइट? ये उनके अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड है, शायद ऐसी कोई कैटेगरी है जिसमें हमको अवार्ड नहीं मिला है। ऑल सर्टिफिकेशन सारे इन प्लेस है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, मतलब हलाल सर्टिफाइड है, कोशर है, फिर जापानीज सर्टिफिकेशन है, यूएस का सर्टिफिकेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें है दोस्तों।
जिस भी व्यक्ति ने आपको बुलाया है, ही विल लेट यू अंडरस्टैंड कि कैसा है। तो ये जो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे ग्रुप में जितने लोग ज्वाइन होते हैं उनके घर तक माल पहुंचाने का जिम्मेवारी वेस्टीज का है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेस्टीज देती है, और हमारे ग्रुप में चेक्स देने का काम भी वेस्टीज का है। तो लिटरली जीरो हेडेक वाला काम है हमारा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक नेटवर्क बनाते हैं दोस्त, वी क्रिएट कंज्यूमर नेटवर्क, हमारा जितना टर्नओवर होता है उस हिसाब से हमको इनकम आता है। तो वेस्टीज का जो सक्सेस प्लान है उसमें सबसे बढ़िया क्या है, द बेस्ट थिंग आई फाउंड वॉज क्यूमुलेटिव प्लान है, मतलब आपका टर्नओवर कभी भी जीरो नहीं होगा दोस्त। ओनली प्रमोशन वाला प्लान है, इसमें कभी डिमोशन नहीं है, एक लेवल आप अचीव करते हो आप कभी भी नीचे नहीं आते हो, आप कभी भी जीरो पीवी पे नहीं जाते हो, राइट। रिन्यूअल फी नहीं है, राइट। और बेस्ट इंजीनियर्ड प्लान है दोस्तों, वेस्टीज मार्केटिंग का जो प्लान है दैट इज द बेस्ट प्लान इन डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको इतना बोल सकता हूं, इट इज द बेस्ट प्लान, राइट। अभी दोस्तों आपको मेजरली चार बेनिफिट मिलने वाले हैं, मैं पूरा डिटेल में बता ही दूंगा, लेकिन चार बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप वेस्टीज में ज्वाइन करते हो। पहली बात यह है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई खर्चा नहीं है। कॉन्सेप्ट यह है कि आप जिस दुकान से सामान लेते हो वो बंद कर दीजिएगा, वेस्टीज की दुकान से सामान लेना शुरू कर दीजिए। हमारे 4,500 शॉप्स है ऑल ओवर इंडिया, आप जहां पे भी रहते हो दोस्तों 2-3 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपको वेस्टीज का शॉप मिलेगा। अगर आपको शॉप पे नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर डाल दीजिए, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएंगे। तो आपको मेजरली चार बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट, अराउंड 10-20% का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा आपको, मैं एवरेज आउट कर लेता हूं 15%। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो है 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। हर बार जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो वेस्टीज के साथ तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे दोस्तों, सो यू विल गेट 10% फ्री प्रोडक्ट्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। अभी तक आज तक हमको किसी ने फ्री प्रोडक्ट्स नहीं दिए थे दोस्तों, कभी कुछ फ्री नहीं मिला था, लेकिन आप जब वेस्टीज का बिजनेस शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। हमारे यहाँ लॉयल्टी प्रोग्राम है कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसमें आप 3,000 रुपए के प्रोडक्ट 4 महीना लेते हो, 5वें महीने में 3,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं, जिसमें आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। और चौथा बेनिफिट जो है आपको मिलेगा वो है परफॉर्मेंस बोनस, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 5-20% मिलेगा आपको। तो जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस बोनस आपका बढ़ेगा, राइट। जो देर आर 7 टाइप्स ऑफ इनकम इन वेस्टीज, वेस्टीज में 7 प्रकार के इनकम है दोस्तों। पहला जो इनकम मैंने आपको अभी बताया वो है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा जो इनकम है वो है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा इनकम जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज डायरेक्टर बोनस, वो 14% है, चौथा जो इनकम है वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो लीडरशिप के लिए है दोस्तों। आप जब 20% का लेवल जो है वो जब पार कर जाते हो तो आपको एलओबी मिलना शुरू हो जाता है, जब आपके टीम में कोई 20% क्रॉस करता है तो उसको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस कहते हैं। वेस्टीज में सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो है ट्रैवल फंड दोस्तों। आप हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हम देश विदेश घूमना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में घूमना चाहते हैं। मैं 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 20 कंट्रीज, हर साल ट्रिप पे जाते थे हम। वेस्टीज में जो यूनिक चीज है वो है ट्रैवल फंड दोस्तों, हर महीना आपको ट्रैवल फंड मिलता है, साल में आप एक या दो बार कंपनी ट्रिप्स निकालती हैं तो आप फॉरेन टूर्स पे जा सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर एंटायर फैमिली, राइट, दैट इज द बेस्ट थिंग। तभी तो हम कहते हैं कि बेस्ट लाइफस्टाइल आपको वेस्टीज के साथ मिलेगी दोस्तों। ट्रैवल फंड के बाद दोस्तों कार फंड मिलेगा आपको, ये कार लेने के लिए आप यूज कर सकते हो दोस्तों। अभी तो वेस्टीज का सिर्फ मतलब 1850 करोड़ का जब टर्नओवर था तब 250 लोग ऐसे हैं दोस्तों, 250 पीपल, दे हैव देयर ओन लग्जरी कार, दे ड्राइव इट थ्रू वेस्टीज इनकम। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सक्सेस है, कहते हैं ना, इफ यू सी द फ्रूट्स ऑफ द ट्री
यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ दैट ट्री इज. तो आप फल देखिए, जो फल आपको दिखेंगे वही तो सक्सेस है दोस्तों. वी हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन आवर ट्री. 250 ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं, और लग्जरी कार के लिए मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, लैंडरोवर, सिर्फ इसी को ये लग्जरी कहते हैं. अबाउट दिस, ये लग्जरी ब्रांड्स है दोस्तों, राइट. तो 250 पीपल, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं दोस्तों. आप जहां पे काम करते हो, आप बहुत अच्छी कंपनी काम में काम करते हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई डोंट वांट टू पुट डाउन एनीवन, लेकिन आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं दोस्तों, उस कंपनी के कभी पार्किंग लॉट में चले जाइएगा और देखिए कि क्या वहां पे 250 लग्जरी कार्स है. अगर नहीं है तो आपको यह बिजनेस की सख्त जरूरत है दोस्तों, राइट. लगभग 4,500 ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्स कार फंड के द्वारा ले चुके हैं और अपनी गाड़ी चला रहे दोस्तों. मोर देन 4,500 पीपल, राइट. सो ये कार फंड भी है और हमारे यहाँ हाउस फंड है दोस्तों. तो आपके घर का ईएमआई है, मेजर चार एक्सपेंसेस है हमारे. हमको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, हमें लगता है कि एक अच्छी हॉलीडे होनी, ये चारों का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कंपनी ने किया है दोस्तों. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लान, राइट. तो थोड़ा अभी अभी हमने क्या देखा है कि आप बिजनेस शुरू करते हो, आपने वेस्टीज से सामान लेना शुरू किया, आपको बेनिफिट मिलना शुरू होता है, और आप क्या करते हो, आप लोगों को भी बताना शुरू करते हो कि ये बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, और आप एक टीम बनाना शुरू करते हो. जैसे ही आप टीम बनाना शुरू करते हो तो टीम का भी बेनिफिट आपको मिलना शुरू होता है, उनको भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी बेनिफिट मिलना शुरू होता है. तो अभी हमने क्या देखा है, आप देखा है यू एंड योर टीम, आपने टीम बनाई, तो उसमें एक और एजेंसी हमने देखी है वेस्टीज. मैंने जैसे आपको बताया वेस्टीज हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, वेस्टीज हमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देती है, हमारे टीम के घर तक पहुंचाने का काम वेस्टीज का है, प्रोडक्ट्स पहुंचाने का काम, फिर टीम को कमीशन कैलकुलेट करके जनरेट करके कमीशन देने की जिम्मेवारी वेस्टीज की है. तो लॉट ऑफ वर्क, जो भी बहुत सारा हार्ड वर्क जो है वो वेस्टीज का मैनेजमेंट कर रहा है दोस्तों. अभी जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो आपके अपलाइन में आते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करने का. अभी अपलाइन जो है वो एक्चुअली फील्ड पे आके आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड करने का. दे हेल्प यू बिल्ड योर टीम. वो घर घर आते हैं, जूम मीटिंग लेंगे आपके लिए, और आपकी टीम खड़ी करने में वो हेल्प करेंगे. एक यहां पे आप कुछ विनिंग टीम भी देख रहे हैं दोस्तों. दोस्तों अगर वेस्टीज हार्डवेयर है तो विनिंग टीम सॉफ्टवेयर है दोस्तों. विनिंग टीम एक ऐसी टीम है, ऐसी एक एजुकेशनल सिस्टम है जो हमें सिखाते कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड करने का. वेस्टीज का कोई भी एम्प्लॉई आपको ये सिखा नहीं पाएगा कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करने का. विनिंग टीम आपको सिखाएगा कि ये नेटवर्क कैसे बिल्ड करने का, नेटवर्क कैसे थ्राइव करने का, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस. एवरी डिटेल ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस इज बीइंग टॉट बाय विनिंग टीम. विनिंग टीम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सीडीज आते हैं, बुक्स आते हैं, सेमिनार चलते हैं, मीटिंग चलते हैं, जहां पे जाके आप सीख सकते हो कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड करने का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. विनिंग टीम सिस्टम में मैं सभी नए लोगों को ये कहना चाहूंगा, जब आप वेस्टीज के साथ रजिस्टर करते हो, ज्वाइनिंग तो फ्री है, राइट वे टू स्टार्ट इज आप 8-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स, 10-12 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेके आप शुरू कर सकते हैं. देयर इज नॉट मच इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस. लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपने करनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वेस्टीज के साथ साथ विनिंग टीम का एक ऐप आता है दोस्तों. वो विनिंग टीम का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए. उसमें एक सीपी प्रोग्राम है, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है, राइट. तो वो एजुकेशन प्रोग्राम को आप प्लग इन कर दीजिए. उसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग के टेक्निक्स मिलेंगे, बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स मिलेंगे, जो सीख के आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, राइट. तो मुझे पता है दोस्तों आपके पास बहुत सारे सपने हैं, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ.
मैंने आपको संक्षिप्त में बहुत छोटे टाइम में आपको समझाया है कि आपको दुकान बदली करना है और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन आप ये क्यों करोगे? क्योंकि क्या है दोस्तों, जिंदगी में वाई और हाउ ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हम जो टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं, वो हमेशा हाउ पे जोर देते हैं, कैसा करना है और क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। लेकिन हम इस पे कभी जोर नहीं देते हैं व्हाई टू डू इट। और जो ड्रीमर्स है दोस्तों, आज अगर आप देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल साइट करता हूं, धीरू भाई अंबानी जी का। जब अंबानी सर ने रिलायंस की शुरुआत करी थी, उनके पास क्या था? सिर्फ ड्रीम थे, उनका एक सपना था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, बस। मुझे आप बताइए दोस्तों, ही वॉज नॉट इवन ग्रेजुएट, लेकिन उन्होंने एशिया की लार्जेस्ट पेट्रो रिफाइनरी कैसी खड़ी करी होगी? क्या उनके पास सबसे बेहतरीन केमिकल नॉलेज था? नहीं, ही वॉज नॉट अ केमिकल इंजीनियर, ही वॉज नॉट अ सिविल इंजीनियर। तो फैक्ट्री कैसी बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखने हैं, वो कुछ भी तो पता नहीं था उनको। उनके पास एक ड्रीम था, उनके पास वाई था, क्यों करना है पता था, कैसे करना उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग जानते थे कैसा करना है उनको एम्प्लॉय किया। दोस्तों दुनिया का ये मतलब दिस इज आयरनी ऑफ द सिचुएशन, ये है कि हम जैसे लोग जिनको हाउ पता है व्हाट पता है, वो वाई लोगों के लिए जॉब करते हैं, और जिनको वाई पता है उनको हाउ का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फाइंड आउट योर वाई, आप क्यों एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो सोचना शुरू कर दीजिए दोस्तों। फाइंड आउट योर वाई, आपके सपने क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, क्या आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे बेहतरीन स्कूल में जाना चाहते हैं आपके बच्चे, क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो, क्या आप एक बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, क्या आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हो, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर वाई, वो ढूंढिए दोस्तों। हाउ अपने आप पता चल जाएगा, हाउ सिखाने के लिए आपकी अपलाइन है और विनिंग टीम है, वेस्टीज है, आपको सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने वाई पे फोकस कर लीजिएगा, हाउ अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई प्रेजेंटेशन, और मैं इतना ही बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, आज मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, शायद आपको किसी ने दिया नहीं होगा बहुत सालों से, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं दोस्तों। मान लीजिएगा कि आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल में आपको वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी से 1 लाख रुपए महीने के आते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए पार्ट टाइम में आना शुरू होते हैं, तो आप ऐसे कौन से सपने हैं जो आप पूरा करना चाहोगे? व्हाट इज योर वाई, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, और वो आपको इसके आगे क्या करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, वो आपको सिखाने वाले दोस्तों। विद दिस आई एम डन एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, आपने बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से इस प्रेजेंटेशन को बताया, बहुत वेल इन टाइम आपने खत्म किया, विद इन 40 मिनट्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन आपकी रही। मैं उन सभी लोगों से जो आज हमारे साथी पहली बार जुड़े हैं हमारे इस लाइव वेबिनार से, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, आशा करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया होगा। आप इस प्रेजेंटेशन की अधिक जानकारी उस व्यक्ति से ले सकते हैं जिस व्यक्ति को आपने आपको आपने आपको इनवाइट किया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अपॉर्चुनिटी इस समय शुरुआत की जा सकती है इसकी? मैं कहूंगा बिल्कुल, इस अपॉर्चुनिटी की, इस बिजनेस की अभी शुरुआत की जा सकती है। हम और आप मिलकर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि लाखों रुपए के चेक ले रहे हैं। जिस व्यक्ति से आपने प्रेजेंटेशन ये देखा अभी, लक्ष्मण जी भी उनमें से एक हैं जो एक हैंडसम इनकम लेते हैं हर महीने इस दौरान लॉकडाउन में भी, और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। वो पिछले 2 महीने से हम और आपकी तरह घर पे बैठे हैं, और उसके बावजूद लाखों रुपए महीने उनके पास आ रहे हैं, वो ऐसे क्योंकि उन्होंने
एक नेटवर्क बनाया। तो दोस्तों कुछ बिना किसी पूर्वाग्रह के, आपने कभी सुना होगा इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप ऐसे मेंबर बनाओ, लोगों को जोड़ो, सामान बेचो, ये अपॉर्चुनिटी इन सबसे दूर है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हम भी समझते हैं कि वो चीजें गलत हैं जो गलत हैं, और हम उसी तरह की फर्जीवाड़े के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन देखकर आपको इसका आइडिया लग गया होगा, तो इसीलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के आप उस व्यक्ति से बात करें, इसी समय प्रेजेंटेशन के बाद उस व्यक्ति को फोन करें और फोन करके उनसे इसके बारे में अधिक जानकारी लें, और अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को आप भी एक ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा उनको आप बुलाएं, वो आपके बिहाफ पे उन लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, और दोस्तों आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है वेस्टीज के द्वारा, 5000 पिन कोड पे प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे हैं, 5 से 7 दिन का समय लग सकता है, पर आपकी प्रोडक्ट आएंगे जरूर। साथ ही साथ अगर आपने इस बिजनेस की धमाकेदार शुरुआत कर दी तो प्रोडक्ट आने से पहले आपके घर में पैसा आ जाएगा, मैं इतनी गारंटी आपको जरूर दे सकता हूं कि 10 तारीख को घंटी बजेगी मोबाइल की और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए बिना किसी देर के अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक पैसिव इनकम का स्रोत आप शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता। विद दिस थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, आपने अपना समय दिया, ये प्रेजेंटेशन दी, एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच।